नमस्कार। आज बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कैंसर पता लग गया, डायग्नोज हो गया, फैमिली एंड फ्रेंड्स सब साथ खड़े हैं, अब ट्रीटमेंट भी तो करना है। हाउ डू यू ट्रीट? सो व्हाट आर दी वेज एंड मीन्स टू ट्रीट कैंसर? फॉर एनी कैंसर पेशेंट तीन ही मेन हेड्स हैं, सर्जरी, कीमोथेरेपी एंड रेडियोथेरेपी। टॉकिंग अबाउट सर्जरी फर्स्ट, सर्जरी मीन्स किसी भी डिजीज पार्ट को जहाँ पे कैंसर है उसको काट के बाहर निकाल देना शरीर से, दैट इज सर्जरी डन बाय द ऑन्कोसर्जन्स। एंड सर्जरी में यूजली व्हाट वी से ऑब्वियसली देयर साइंटिफिक वेज R0, R1, R2, बट मोटा मोटा ये है कि जब निकालते हैं तो वो पूरा एन ब्लॉक बाहर आ जाना चाहिए, पीछे बाउंड्रीज पे जो हमने काट के निकाला है उतने हिस्से में कोई कैंसर सेल नहीं मिलना चाहिए। सो सर्जरी इज वन मोडालिटी जहाँ जहाँ हम पेशेंट को ऑपरेट करा सकते हैं, वी डेफिनेटली गेट दी सर्जरी डन। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट, कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी कुछ नहीं है, कीमो जैसे एक नॉर्मल इंजेक्शन चढ़ाया जाता है, बुखार के लिए एंटीबायोटिक चढ़ाया जाता है, दर्द के लिए एनाल्जेसिक चढ़ाया जाता है। सो कीमोथेरेपी में एंटी कैंसर दवाइयाँ चढ़ाई जाती हैं, ग्लूकोज में मिला के या गोली की फॉर्म में या स्किन के नीचे, मल्टीपल वेज हैं जिसको देने के, और दैट इज़ अ कीमोथेरेपी। एक छोटी सी बात कीमोथेरेपी के बारे में बताऊँगा, कीमोथेरेपी अगर किसी पेशेंट को चल रही है और साथ में कोई बैठा हुआ है उसको कोई रिस्क नहीं है, ना तो उसके बाल उड़ेंगे, ना ही उसको कैंसर एक्सपोजर होगा, ना ही पेशेंट को कोई दर्द होता है कीमोथेरेपी चढ़ते हुए, ना ही कोई फैमिली को उसके घर जाने के बाद कोई दिक्कत होती है। छोटी सी मिथ की बात बीच में हो गई, डिटोरिंग फ्रॉम द टॉपिक, कमिंग बैक टू द कीमोथेरेपी। सो कीमोथेरेपी के बहुत सारे आगे रूपांतर हैं, लाइक इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, इम्यून थेरेपी, देन वी हैव कार्टिक सेल थेरेपी कमिंग अप, हार्मोनल थेरेपी, कुछ गोली के फॉर्म में है, कुछ नसों में दी जाती है, कुछ चमड़ी के नीचे जाती है, बट ब्लैंकेटली एवरीथिंग इज टर्म्ड इन क्लब्ड अंडर वन हेडिंग, दैट इज कीमोथेरेपी। कमिंग ऑन टू द थर्ड मोडालिटी, दैट इज रेडियोथेरेपी, जिसको आम भाषा में सिकाई बोला जाता है। एक्चुअली में अगेन अ मिथ, आई जस्ट क्लैरिफाई हियर राइट अवे, ना ही कोई गर्म हवा लगानी है, ना ही कोई गर्म बल्ब है, ना ही मरीज को कोई जलन होती है, ना ही कहीं से जलाना है। वो इट्स अ काइंड ऑफ इनविजिबल रेज, आयोनाइजिंग रेडिएशन विच गोज इन टू पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द बॉडी, जहाँ पे जो कैंसरस पार्ट है उसमें जाके आयोनाइज रेडिएशन के द्वारा कैंसर सेल्स को ख़त्म करा जाता है। इट इज़ एडवांसिंग लाइक एनीथिंग। सो जब हम पढ़ते थे वी यूज टू यूज कोबाल्ट, दैट इज़ रेडियो एक्टिव सोर्स, आज के तारीख में लीनर एक्सेलेटर पे आ गए। लीनर एक्सेलेटर में भी वी आर गोइंग ऑन टू द वेरी हाई प्रोसीजन, 0.1 mm के प्रोसीजन में, मीन्स कि जहाँ पे बीमारी है उसको 1 mm, 0.1 mm के एरिया में हम ट्रीट कर रहे हैं। सो वी हैव कम ऑन टू ट्यूमर ट्रैकिंग, लंग के केस में, लंग सांस ले रहा है पेशेंट, लंग मूव कर रहा है, तो उसके हम रेस्पिरेटरी गेटिंग करते हैं, डीप इंस्पिरेटरी ब्रेथ होल्डिंग टेक्निक करते हैं, जस्ट टू टारगेट दैट एरिया सो दैट वी हैव मिनिमल साइड इफेक्ट ऑन द सराउंडिंग एरिया। सो अगेन जस्ट दी ऑन द क्लोजिंग नोट, सो व्हाट आर दी मोडालिटीज ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट? इट इज सर्जरी, कीमोथेरेपी एंड रेडियोथेरेपी फॉर नाउ। कुछ इवॉल्व होता है विद साइंस, डेफिनेटली वी ऑल आर अप टू इट। थैंक यू।